था। वो इस जगह की बुराई महसूस कर सकती है। आप चौंक गए? महाबलासुर के असुरों ने भूमि देवी के एक पवित्र पेड़ को खराब कर दिया है। इस तरह की बुराई रोकने के लिए ही भगवान शिव ने उसे बंदी बनाया था। बुराई है क्या? सभी चीजें बदलती है। पेड़ ने राजी को गोलू की एक झलक दिखाई। काले बादल, एक भयंकर तूफान दुनिया को तबाह करने की चेतावनी दे रहे हैं। और इन सब के पीछे शक्तिशाली और दुष्ट असुर हैं। ये रास्ता जयघर के किले के ओर जाता है। वो शक्तिशाली है देवी दुर्गा। हाँ वो है। मुझे उम्मीद है कि वो उसे सहन कर पाएगी जो वो अंदर देखेगी। किला उसके लिए चुनौती होगी, लेकिन वो अपनी ताकत बढ़ा रही है। मुझे लगता है कि बहुत जल्द महाबलासुर और उसके असुर उसके भाई को बंदी बनाने के लिए पछताएंगे। देवी दुर्गा, इतनी जल्दी ऐसा मत सोचिए। अगर महाबालासुर जीता
तो आगे जाकर क्या ही बदलेगा? आपको ये स्वीकार करना होगा कि कुछ चीजों पर मानवों का नियंत्रण नहीं है। यानी हम सभी के विचार से आपने जन्म लिया महिषासुर का वध करने के लिए। स्कंद माता, बुद्धि देने वाली आग की देवी, आपकी गोद में आपकी संतान है। गौर वर्ण की महागौरी, पापियों की उद्धारक, सत्य की देवी, भयावह काल रात्रि, कुशल योद्धा, असुर संहारक और स्वयं समय की काल सिद्धि
विधात्री, सभी सिद्धियों की देवी, आठ शक्तियों को देने वाली इस पूरी दुनिया का स्रोत, उज्जवल कुष्मांडा, महान सृजनहार जिन्होंने अपनी हंसी से ये दुनिया बना दी, स्वर्ण चंद्र घंटा, महान असुर संहारक, आपकी तीसरी आंख हमेशा जागी रहती है, ब्रह्मचारिणी, भगवान शिव से आपकी शादी होने से पहले आप उपवास और प्रार्थना करने पर्वतों पर रहने चली गई थी और उन्हें आपकी श्रद्धा के आगे झुकना पड़ा। शैल पुत्री, मुझे याद है कि कैसे आप सती हुई थी और फिर आप मैं असुरों को जीतने नहीं दूंगी और ना ही वो सन की रहस्यवादी जो उनका मुखिया है। जो उसने भूमि देवी के साथ किया वो बहुत बुरा था। अब महाबलासुर के इरादे कौन जानता है। मुझे you
जा सकती। गोलू, गोलू, मैं आ रही हूँ। जयधर का किला मानवों द्वारा बनाया गया और दुनिया के दो हिस्सों में बंटने तक असुरों द्वारा जीता गया। बचाव बहुत मजबूत है। अब और जीवों से उसका सामना होगा। क्या उसे पता है कि वो पीछे कर रही है? नहीं।